नमस्कार, एनएएच में आपका स्वागत है। आप में से हर किसी ने स्कूल में पढ़ाई की होगी और पढ़ाई के दौरान आपको कई छुट्टियां मिली होंगी और छुट्टियां एक दिन से लेकर 30 या 40 दिन तक की रही होंगी। लेकिन आज हम दिमाहसाओ जिले के एक ऐसे स्कूल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक साल से भी ज्यादा समय से छुट्टी पर है। असम के दिमाहसाओ जिले के उमरोंगसो टाउन से लगभग 23 किलोमीटर दूर स्थित बोरो लारफेंग एलपी स्कूल एक साल से अधिक समय से बंद होने की खबर है। स्कूल की स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी और इसमें कई नामांकन हुए थे। सूत्रों के अनुसार टीचिंग स्टाफ की अपॉइंटमेंट न होने के कारण स्कूल बंद है और छात्र छुट्टी पर हैं। वर्तमान में गांव एवं आसपास के छात्र पढ़ाई से वंचित हो गए हैं, जिससे छात्रों का भविष्य अब अंधकार में है। दूसरी ओर असम में दिमाहसाओ जिले के एचएसएलसी में तीसरे स्थान पर आने से परिषद के नेताओं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों में खुशी का माहौल है, लेकिन विभाग छात्रों की बुनियादी शिक्षा के बारे में भूल गया। बिप्लब शील की ग्राउंड रिपोर्ट। हाँ, गांव का है। अच्छा, मैं तो यहाँ पे आया दो साल हुआ। तो दो साल से स्कूल क्या बंद है ना? दो साल मतलब हमने आने का पहले से स्कूल तो बंद है। तो यहाँ पे तो यहाँ का जो स्कूल का जो मिड डे मील आता है वो बच्चा लोगों को नहीं नहीं कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिलता। तो हम थोड़े देर पहले गए थे स्कूल में, तो देखा था कि फैन वगैरह लगा हुआ है। ये कब लगाया था, आपको कुछ आइडिया है? बोला कि सुना तो 8 महीना का पहले ही लगाया बोला। अच्छा, वो टीचर लगाया? टीचर कृष्णा सेट्री। अच्छा, तो आप चाहता है क्या स्कूल फिर से शुरू हो, बच्चा लोगों को स्कूल तो चाहिए, स्कूल भी चाहिए और टीचर भी तो लगता है ना। टीचर थोड़ा आने से मतलब स्ट्रिक्टली वाला टीचर चाहिए हम लोग को, और जैसे कि यहाँ से बाहर वाला टीचर हम लोग को नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर से आएगा फिर टीचर आएगा फिर 1 महीना के बाद 2 हफ्ता के बाद ऐसे पढ़ाता है पहले से भी, तो ऐसा टीचर हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग चाहिए कि यहाँ का लोकल चाहिए, लोकल टीचर चाहिए हम लोग को जो रेगुलर आते हैं। हाँ, रेगुलर चाहिए हम लोग को। और देखो यहाँ पे स्टूडेंट कितना स्टूडेंट पढ़ा है, जब से हम गांव में आया स्टूडेंट लोग ऐसा है कि उधर से उधर जहाँ का जो पढ़ा वाला बच्चा लोग, कोई तो गरीब वाला लोग भी है कोई अमीर भी है, गरीब वाला का बच्चा हो गया अभी उधर से उधर घूम रहा है। हम देखा है तो पूरा फालतू चल रहा है जैसा है बच्चा लोग। हाँ, लाइफ तो पूरा खराब हो गया। तो अभी तो इसलिए हम लोग को टीचर चाहिए और हम लोग का डिमांड है कि लोकल टीचर चाहिए हम लोग को। बाहर से आने वाला टीचर होने से जैसा हम लोग देखा है कि 1-2 महीना 1 हफ्ता ऐसे पढ़ाता है, तो इसलिए हम लोग को ये सब टीचर नहीं चाहिए हम लोग को। जो गांव का क्या, गांवरा है? गंबोरा है। अच्छा अच्छा, आपका नाम? नाम हो गया सर दूरो। ये जो स्कूल है, जो स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम हो गया इसे तो न्यू बोरालाफेंग एलपी स्कूल। न्यू बोरालाफेंग एलपी स्कूल ना। इसमें टोटल कितना बच्चा है? आगे फर्स्ट टेस्टिंग भी तो 32 तो है। 32 तो है ना। और टीचर कितना है? टीचर आगे में फर्स्ट दिया था कृष्णा छेत्री एक थू। अच्छा, कृष्णा छेत्री। वो कृष्णा छेत्री कहाँ का है? वो हाफलोंग का है। हाफलोंग का है। अच्छा, तो वो आता कि नहीं टीचर? अभी कम से कम करीब अभी 2 साल हो गया, नहीं आया। 2 सालों के नहीं आया। हमने स्कूल में गया था तब देखा कि स्कूल का सब रूम खुला हुआ है, एक रूम बंद है, और बाकी जो रूम है सब में 2-2 फैन लगा हुआ है। वो सब फैन कब लगाया था? वो फैन तो करीब आपको 8 महीना का हिसाब में भी हो गया। वो 8 महीना से हो गया लगाया ना। ये किसने लगाया था? ये भी उस वो कृष्णा का ने, कृष्णा छेत्री ने लेकर के स्कूल में दिया था, उन्हें लगाया। कृष्णा छेत्री ने लगाया ना, उन्हें लेकर आया। कृष्णा छेत्री कभी, जैसे कि आप स्कूल का प्रेसिडेंट है ना, आपको कभी नहीं बोला कि जो स्टूडेंट स्कूल में भेजिए वो आता नहीं क्या? आता नहीं, आया नहीं। वो क्यों नहीं आया, पूछा था क्या प्रेसिडेंट साहब से? पूछा था, प्रेसिडेंट के हिसाब से पूछा था। अभी हम यहाँ स्कूल का नहीं है, अभी पास स्कूलों में आए के टीचिंग कर रहा है। वो इतु यहाँ में नहीं, स्कूल में नहीं बोला। कितना दिन पहले बोला? करीब इतु फैन लगा 8 महीना हिसाब में।
8 महीने पहले बोला था ना, बोला था मतलब ये वो कृष्णा छेत्री ये स्कूल से ट्रांसफर हो गया बोल के आपका से बोला ना, वो इतना बोला। और उसका बाद में तो नया टीचर तो नहीं आया, नया टीचर कोई भी नहीं आया। अभी आप गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहते हैं कि स्कूल में नया टीचर फिर से देना चाहिए कि नहीं चाहिए? स्कूल तो अभी बुजती वाला नहीं बोलता, स्कूल तो है ही, तो कम से कम स्कूल तो लगेगा बोल के मांगा, तो स्कूल तो होने चाहिए, टीचर भी होने चाहिए। आप लोग का गांव में स्टूडेंट होगा ऐसे पढ़ने वाला? अभी तो अबे 1500 गौर में एक एक करके हिसाब करने से करीब 1500 हो गया, कम से कम 20 तो होगा, एक 20-30 स्टूडेंट है मतलब स्कूल में। ये स्कूल अभी बंद है, अभी बंद है। सरकार से ये मांग रखता है कि ये स्कूल में टीचर भेजने के लिए जी, एक टीचर नहीं दो टू नहीं भी होगा, अभी एक टू भी नहीं, बच्चा तो है ऐसे घूमता है, कोई मिशन स्कूल में जाता है, कोई इधर प्राइवेट, अभी कोई कोई तो लेकिन प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। कितने क्लास है टोटल? टोटल क्लास 5 तक है। आप लोग का ये स्कूल में पढ़ने के लिए दूसरा गांव से भी स्टूडेंट आता रहा? दूसरा टाइम दूसरा दो 20 में हमारा बुस्ती में 20 में है, दूठू गांव से भी आता सामने सामने वाला, मतलब वो लोग भी नहीं पढ़ रहे हो अभी भी। कृष्णा क्षेत्र 6-7 महीना पहले आके वो पानी का टंकी बनाया, आके फैन लगाया ना? जी जी, उन लोगों का उनका हट का है, कृष्णा क्षेत्र का है। अच्छा ठीक है। फैन लगाने के बाद में तो और नहीं आया स्कूल? नहीं आया।